Hello to all I am Anurag sir and today I will explain you all class 9th mathematics exercise 6.2 few questions of it. So let's start. Exercise 6.2 directly from question number 4 I am telling you. In figure 6.31 if PQ parallel to ST angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. फाइंड एंगल क्यू आर एस हिंड इज़ ऑल्सो गिवन हेयर ड्रॉ अ लाइन पेरलर टू एस टी थ्रू पॉइंट आर इस क्वेश्चन में पी क्यू आपके एस टी के पैरलर है और एंगल पी क्यू आर आपका हंड्रेड एंड टेन डिग्री है और एंगल आर एस टी वन थर्टी डिग्री तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस बाई सींग द डाइग्राम सो ना लेट्स मूव ऑन टू इट्स सोल्यूशन एज यू कैन सी इन द डाइग्राम आई मेड अ लाइन फ्रॉम पॉइंट आर देट इज़ यू वी यू कैन सी इन द डायग्राम एंड इट इस पैलर टू एस टी हिंट में जैसे हमें दिया गया था कि आपको एस टी के पैलर एक लाइन खींचनी है जो आर पॉइंट से पास होते हुए जाए तो वो लाइन है आपकी यू वी नाउ गिविन यू कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड टू फाइंड वी हैव टू इट्स एंगल क्यू आर एस नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन देखिए कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो क्वेश्चन में हम खुद से चेंजेस करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमने यहाँ पर यू वी लाइन ड्रॉ की थ्रू आर आर के जरिए अब आप डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर यू इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री देखिए इसका रीज़न लीनियर पेयर नहीं होगा इसका रीज़न है आपका एंगल्स लाए ऑन द सेम ट्रांसवर्सल देखिए एंगल लाइज ऑन द सेम ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक ही लाइन के ऊपर आपके दो एंगल्स लाए करते हैं और वो दोनों एंगल्स आपके उस लाइन में लेफ़्ट और राइट हैंड साइड शिफ्ट होते हैं और उन्हीं दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री सो दैट प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग हेयर एज़ यू कैन सी इन द डायग्राम फिर इसके बाद आपका एंगल पी क्यू आर था 110 डिग्री ये तो हमें क्वेश्चन ही दिया था और एंगल क्यू आर यू हमें फ़ाइंड आउट करना होगा एंगल क्यू आर यू आपका आ गया 70 डिग्री जब आपने हंड्रेड एंड टेन डिग्री को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया वन एटी से माइनस करने के बाद सेवेंटी डिग्री हमें मिला फिर इसके बाद वही सेम प्रॉपर्टी हमने लगाया एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वी में डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें भी एंगल लाइज ऑन द सेम ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी आपकी लगी तो एंगल टी एस आर हमने पुट किया वन थर्टी डिग्री एंड प्लस एंगल एस आर वी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देन वन थर्टी डिग्री को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पर वन एट्टी से माइनस करके आपको मिला फिफ्टी डिग्री This was your second step, and now it's time for us to move on to third and last step. अब आपने एंगल QRU आर यू प्लस एंगल क्यू आर एंड एंगल एस का एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में रीजन लिखा है एल पी दैट इज़ लीनियर पेयर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जब एक ही स्ट्रेट एंगल के ऊपर कई सारे एंगल्स का पेयर होता है तो उनका सम होता है वन डिग्री एज यू कैन सी इन द डायग्राम आफ्टर पुटिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यू कैन सी एंगल क्यू आर यू की प्लेस पे सेवेंटी डिग्री रखा मैंने एंगल क्यू आर एस आपका एज ए टेज क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है एंड एंगल एस आर वी के प्लेस पे आपका फिफ्टी डिग्री इज इक्वस टू वन एट्टी इन द लास्ट सेकेंड लाइन सेवनटी प्लस फिफ्टी मेक्स वन ट्वेंटी डिग्री एंगल क्यू आर एस आपका एज एटेज इज वल टू वन एटी एंड दैन द लास्ट एंड फाइनल लाइन यू कैन सी दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री 120 को आप वहाँ ट्रांसपोज करेंगे 180 से माइनस करने पर आपको एंगल क्यू आर एस मिलेगा 60 डिग्री एंड दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर 6.32 पॉइंट थ्री टू इफ ए बी पैरलर सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू फिफ्टी डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी सेवन डिग्री देन वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं ए बी आपका सी डी के पैर है याद रखिए जब दो लाइन से एक दूसरे के पैलर होते हैं तो आप उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना होगा सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट सॉल्यूशन नाउ एज यू कैन सी इन द solution गिवन आई हैव रिटन फ्रॉम द क्वेश्चन नाउ टू फाइंड देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए जिन क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना होता है तो आपको टू प्रूफ का यूज़ करना है और जिन क्वेश्चंस में आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको उसके लिए टू फाइंड का यूज़ करना है आप देख सकते हैं मुझे एंगल एस और एंगल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसलिए मैंने टू फाइंड वर्ड का इस्तेमाल किया सो लेट सी द सोल्यूशन हमारी शुरुआत होगी पहले तो एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर से देखिए डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा इसका रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट देट शेप वहाँ पर बनता है तो Z शेप के अकॉर्डिंग आपका एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए एंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाय द प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज दैट इज मेकिंग देयर Z शेप देन एंगल ए पी क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 50 डिग्री और एंगल पी क्यू आर वहाँ पर आपका एंगल X आपको दिख रहा होगा तो X भी आपका कितना हो गया 50 डिग्री ये तो फर्स्ट स्टेप में आपका सॉल्व हो गया now in the second step we will move on angle prq plus angle prd it is making 180 degree and the reason is linear pair as you can see in the diagram then angle prq i have written as it is and plus in place of angle prd i put its value and it is 127 degree is equals to 180 then वन ट्वेंटी सेवन को मैंने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड वन एट्टी डिग्री के पास और वन एंटी ने इसे सबट्रैक्ट करके बनाया फिफ्टी थ्री डिग्री नाउ द लास्ट स्टेप इन ट्राइंगल पी क्यू आर एज यू कैन सी इसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इट मेक्स वन एटी डिग्री सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एंगल सम प्रॉपर्टी आई थिंक यू ऑल नो दिस तो ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें एक्स प्लस वाई प्लस फिफ्टी थ्री डिग्री इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री आपको दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू द एंगल साम प्रॉपर्टी देन एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी फिफ्टी डिग्री वाई हमारा फिफ्टी थ्री डिग्री और वाई जो कि हमें निकालना है तो इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री आपने इसको पुट किया फिफ़्टी प्लस फिफ्टी थ्री डिग्री का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा हंड्रेड एंड थ्री डिग्री आपने उसे ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड 180 से माइनस करने के लिए और फाइनली आपको वाई मिल गया 77 डिग्री सॉल्यूशन डन नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स इन फिगर सिक्स पॉइंट थ्री थ्री पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैलर टू ईच अदर एज यू कैन सी इन द डायग्राम एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें गिवन है एक मिरर को दूसरे मिरर के सामने रखा गया है और हमें उन दोनों को एक दूसरे के पैरलर यानी कि ए बी को सी डी के पैर प्रूव करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दो लाइंस को तभी पैलर प्रूव किया जा सकता है जब उनके बीच में किसी प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन हो मीन्स अगर हम इन दोनों के बीच में बनने वाले किसी एंगल की प्रॉपर्टी को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैलर प्रूफ हो जाएगी सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन नाउ यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नाउ सी इन द डायग्राम आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी मैंने इन दोनों में बी ई और एफ सी से एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी को रिस्पेक्टिवली बाईट करवाया है बायसेट का मतलब होता है किसी रे का किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना और डिवाइड करने के बाद मैंने उन एंगल्स को नाम दिया स्मॉल ए बी एंड सी डी एज यू कैन सी इन द डायग्राम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स प्रूफ इसके पहले आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इट इज़ रिटन दैट ड्रॉ रे बी ई ऑन एंगल ए बी सी एंड एफ सी ऑन एंगल बी सी डी विच यू कैन सी इन द डाइग्राम जो चीज़ आप डाइग्राम में चेंज करवाते हैं ख़ुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका वो कंस्ट्रक्शन में जाता है सो फाइनलीट्स मूव ऑन टू इट्स प्रूफ यू कैन सी ए इज इक्वल्स टू बी एंड द रीज़न इज एट जेंट एंगल्स इन प्रीवियस वीडियो ऑलरेडीट वैन आर रे डिड्स एनी एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स दैन दो पेयर ऑफ पार्ट्स इज़ कंसीडर्ड एज एडजस्टेंट एंगल्स यहाँ पर भी वही हुआ है उस प्रॉपर्टी का फाइनली हमने इसमें, इसमें इस्तेमाल किया आप इसे ले लीजिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिमिलरली आप देख सकते हैं एंगल बी सी डी को यहाँ बायसेट करने का काम किया है एफ सी ने तो आपका एंगल बी सी डी भी टू इक्ल एंगल्स में डिवाइड हो गया सेपरेट हो गया तो वो दोनों एंगल्स के पेयर भी कहलाएँगे एडजस्टेंट एंगल्स दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू डी

फ्राम ऑल इक्वेशंस दैट इज़ फ्रॉम वन टू एंड थ्री ऑल एंगल्स आर बिकमिंगवल टू ईच अदर आप देख सकते हैं कि सारे एंगल्स आपके एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं तो फाइनली हम आखिरी में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ले सकते हैं बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू एच अदर नाव ए प्लस बी एंगल का कॉम्बिनेशन है एंगल ए बी सी एंड सी प्लस डी एंगल का कॉम्बिनेशन है एंगल बी सी डी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर दो लाइंस के बीच में किसी एंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस को पैलर प्रूव किया जा सकता है तो फाइनली आपका ए बी पैलर टू तो सी डी हो गया और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज इज़ कम्पलीटेड नाउ एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आई विल प्रोवाइड यू सिक्स पॉइंट थ्री I hope you preferred this video as well as the solutions of it. So, finally, take care. Good day.